बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज के। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। डॉक्टर साहब, मैं हाफिज मोहम्मद बिलाल जी, मेरी पखर जान तो गल कर रहे हैं। जी। जी पूछना सी के वेस्ट कंपोजर के बारे जो है ना, हाँ, की सूरत हाल है, कि क्या फसलों वास्ते बेहतर है कि नहीं? जिस तरह दस देने के पानी दे अंदर गोबर वगैरह गोबर। जा हाँ इसी तरह गुड़ वगैरह इसी तरह कुछ भी डाला, दाल माश या चने वगैरह पा के फिर हफ्ता 10 दिन जिस तरह मिक्स वगैरह किया जाता है, मिक्सचर किया जाता है, तो फिर फसलों में पानी लाया जाता है। ये बारे पूछना सी कि ये जिस तरह 10 दिन है वाकया इस तरह के फायदे हैं ने कि बंदा इन्हों इस्तेमाल करके वेस्ट कंपोजर नू ते खादा तो यानी खादा के अंदर कमी कर सकता है, फसल का जो है ना झाड़ वगैरह फसल भी अच्छी ला सकता है। ये बारे जरूर दस्या जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी जान, असल च ईएम टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव माइक्रोब्स टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारे मुल्कां दे विच ये कर रहे ने। जापान वालिया ने स्टार्ट कीता सी। ये साढ़े इतने फैसलाबाद च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साढ़े प्रोफेसर होंगे सन, ताहिर साहब। ताहिर अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी करे, अगर वो जिंदा ने ते अगर, क्योंकि बड़े अरसा होया मैनू उन्होंने कोई रबता नहीं होया उन्होंने। किसी जमाने च मैं पढ़ाता सा इराक दे विच, ते उदों वो भी उत्थे पढ़ाते सन, ते मैनू मुलाकात हुई सी उत्थे। ते मेरी जान, ये इफेक्टिव माइक्रोब्स टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादातर लोग ये समझ लो एक कारोबार दे तौर ते लोगों नू दसदे ने और ये इस्तेमाल कराते ने और कहते ने, क्लेम करते ने कि जी ये नाल बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार हासिल होंगी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुसी तजर्बा थोड़े बुनियाद पर थोड़े जे फॉर्म के उत्ते करके देख लो कि अगर अच्छा ये रिजल्ट आते हैं तो फिर अगे कर लिया जाए। लेकिन है कि मेरे को पुछोगे, सच्ची गल है, मैं तो ये अख च नहीं है। मैं तो हाँ, ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी अगर अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद पाओ और उदे जमीन दे विच ऑर्गेनिक मैटर वधाओ, उहदे विच सब्ज़ खादां दा इस्तेमाल करो। मेरे प्रोग्राम देखो, उहदे विच चॉप कर लिया, 50 दिनां दी फसल हुंदी है, जंतर कर लो, गुआरा कर लो, बरसीम कर लो, इन्हां नूं करके चॉप करके जमीन दे विच मिला के इन्हों जिस वेले अच्छी तरह उहदे नाल उहदी टैक्सचर भी बड़ी बेहतरीन हो जाती है, पैदावार भी उहदे नाल बड़े जबरदस्त होंगी। फर्टिलाइजर फिर पाओगे जिस वक्त, तो फर्टिलाइजर का असर ज्यादा होंगे। असल तो मेरी जान वो है, ये बहरहाल तुम ट्राई करके देख लो, थोड़े तजर्बे ते कर, थोड़े जे खेत के उत्ते करके ते तजर्बा कर लिया जे। असं इतने जो खास तौर पर बायोगैस प्लांट लाने हैं, उहदे च भी तो स्लरी निकलती है, वह भी बहुत अच्छी होंगी है। स्लरी इस्तेमाल करते हैं लोग, वो इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन, फिर घट पानी पैंती है खाद, तो फसल अच्छी मिल जाती है। लेकिन है कि खाद खाद ही है, अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद ज़्यादा जितनी पाओगे उन अच्छी जमीन की बनावट भी अच्छी हो जाएगी और फिर फर्टिलाइजर घट पाना पैंता है। जे पाना भी पैंता है फर्टिलाइजर, तो पैदावार बड़ी अच्छी होंगी है उसी बार। मैं तो वो इस चीज दे हक चा, अगर तुसा मेरे को राय पूछ रहे हो। ठीक है मेरी जान, दुआव च याद रखे जे, फी मान ला।